हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सिंपल व्रत वाले आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जैसे वो घर पे नहीं रहते हैं, बाहर कम चीज़ों के साथ किस तरीके से व्रत वाले आलू बनाए जा सकते हैं, तो आज मैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ व्रत वाले आलू बना के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून के जितना घी ले लिया। आप कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो ये रेसिपी आप उसमें बनाइएगा, क्योंकि इस वाली कढ़ाई में थोड़ा आलू ये चिपकते हैं। आपको घी में ये 3 मध्यम आकार के उबले हुए आलू मैंने डाल दिए। इसको डाल के आपको जब तक इस पर थोड़ा लाल रंग ना आ जाए हर तरफ से, इसको आपको भूनना है। बहुत ज़्यादा चलाइएगा नहीं, नहीं तो इस तरीके से ये रेड नहीं होगा। 5 से 6 मिनट के बाद इस तरीके से जब रेड कलर आ जाए तो हम इस पर 1/2 टीस्पून के जितना कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इससे ज़्यादा चीज़ें हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। फ्रेशनेस के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और हमारे ये व्रत वाले आलू बिल्कुल रेडी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने ना ग्रीन चिली डाली ना कोई और मसाला डाला, ये कैसा लगेगा? आप टेस्ट करके देखिएगा। घी के साथ काली मिर्च और फ्रेश कोरिएंडर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और आपने आलू को हल्का सा फ्राई किया है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये झटपट बनने वाले व्रत के आलू बिल्कुल रेडी हैं। एंजॉय कर सकते हैं आप इसको चाय के साथ या फिर एज इट इज़। तो है ना बिल्कुल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, इसी तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन याद से प्रेस करिएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। और दोस्तों, क्यूमिन करी का फेसबुक और इंस्टा पेज भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह डालती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय दिस रेसिपी।